लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली में कांग्रेस ने बड़ा फेरबदल कर दिया है। पंजाब के प्रभारी की जिम्मेदारी निभा रहे देवेंद्र यादव को कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें दिल्ली का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। दरअसल दो दिन पहले यानी 28 अप्रैल को अरविंदर सिंह लवली ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद देवेंद्र यादव को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि देवेंद्र यादव पंजाब के प्रभारी भी बने रहेंगे। ऐसे में आज बात करेंगे देवेंद्र यादव के सियासी बैकग्राउंड की, कैसे पार्टी ने उन्हें दिल्ली का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। देवेंद्र यादव के बारे में आपको बताएं तो उन्होंने दिल्ली में लंबे समय तक राजनीति की है। 2008 में देवेंद्र यादव दिल्ली की समयपुर बादली से विधायक चुने गए, लिहाजा पार्टी ने 2013 में एक बार फिर उन्हें प्रत्याशी बनाया और उन्होंने जीत भी दर्ज की। कहा जाता है कि देवेंद्र यादव की दिल्ली में वोटर्स पर अच्छी खासी पकड़ है, वहीं यहाँ की राजनीति से भी वे भलीभांति परिचित हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी से भी उनकी काफ़ी नज़दीकियाँ हैं, वहीं पूर्व दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन के भी वे करीबी बताए जाते हैं। यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। यहाँ ध्यान देने वाली एक बात और है, दरअसल लोकसभा चुनाव के बीच किसी भी जगह पार्टी का अध्यक्ष होना जरूरी होता है और नामांकन में प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह देने में पार्टी अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। ऐसे में पार्टी नहीं चाहती किसी तरह का विवाद या गड़बड़ी हो, लिहाजा देवेंद्र यादव को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है। बता दें दिल्ली में 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या वे दिल्ली में लगातार बिगड़ रही कांग्रेस की स्थिति को सुधार पाएंगे या नहीं। खैर, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन अभी आपको बताते हैं कि इससे पहले कांग्रेस ने उन्हें कहाँ कहाँ की जिम्मेदारी दी। तो सबसे पहले बात पंजाब की करते हैं, जहाँ अभी देवेंद्र यादव कांग्रेस के प्रभारी हैं। पंजाब में देवेंद्र यादव को प्रभारी बनाने के बाद यहाँ चल रहा नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब कांग्रेस में अन्य नेताओं के बीच झगड़ा फिलहाल के लिए तो रुका हुआ है। हालांकि यहाँ एक तर्क और भी है कि सिद्धू अभी IPL में कमेंट्री कर रहे हैं, ऐसे में विरोध की आवाज़ें नहीं उठ रही हैं। खैर, तर्क चाहे कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल के लिए तो लोकसभा चुनाव के बीच देवेंद्र यादव ने पंजाब कांग्रेस को काफ़ी हद तक संभाल रखा है। बहरहाल बात उत्तराखंड की करें तो इससे पहले भी उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी भी रह चुके थे, हालांकि तब उत्तराखंड में लिए गए फैसलों को लेकर उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा था। बहरहाल देवेंद्र यादव के ऊपर दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बीच सब सामान्य रहे, ये नए कार्यकारी अध्यक्ष की भी कोशिश होगी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।